नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जांगिर स्वागत करता हूं आपका क्वालिटी एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो संगणक का सिलेबस है उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है जिसमें संस्थाएं पूछी गई है, संस्थाओं के बारे में आपसे बताया गया है, तो उसमें एक है नीति आयोग। तो आज की इस क्लास में हम कंप्लीट नीति आयोग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन सबको हम एमसीक्यूज के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, साथ ही हम सारी चीजों को याद भी करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो देखो, स्टार्ट करें आज की क्लास को। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। तो देखो, योजना आयोग की बात करें तो देखो, भारत में आर्थिक नियोजन की हम बात करें, भारत में आर्थिक नियोजन की जो संस्था थी नीति आयोग से पहले, तो वो थी योजना आयोग। कौन थी? योजना कौन थी? तो योजना आयोग है वो क्या है कि भारत में आर्थिक नियोजन की एक संस्था थी, और अब क्या है उसके स्थान पर, अब है नीति आयोग। अब देखो, नीति आयोग से रिलेटेड चीजें समझने से पहले हमें योजना आयोग के बारे में समझना होगा। योजना आयोग को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्लानिंग कमीशन। इसके बारे में बात करें तो देखो, बात है 1946 की। इस समय एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था केसी नियोगी समिति। क्या था नाम? याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब। तो 1946 में एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम था केसी नियोगी समिति, और इस समिति के सिफारिश या हम क्या बोल सकते हैं, इस समिति की संस्तुति पर क्या किया गया? योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। कब किया गया? तो वो किया गया आपके 15 मार्च 1950 को। अब देखो, या एक बार स्टेटमेंट पढ़े, क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्या लिखा हुआ है कि भारत में योजना आयोग का गठन केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर किया गया। तो ये बिल्कुल कथन आपके सही हो जाता है। तो ये कथन सही है, लेकिन क्या बोला है कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक सामितिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। तो ये कथन गलत हो जाता है। अब देखो, कथन गलत क्यों हो जाता है? क्योंकि जो योजना आयोग है वो क्या है? गैर सामितिक है। तो ये बिल्कुल आपको याद रखना है, योजना आयोग क्या है? गैर सामितिक है, और क्या है? परामर्शदात्री निकाय है। मतलब क्या करना है? परामर्श देता है। तो देखो, हमसे क्या पूछा है, सत्य कथन कौन सा है? तो देखो, केवल एक है, वो अपने सत्य हो जाता है। अब देखो, योजना आयोग के बारे में हम और बात करें, इसके बारे में बात करें, योजना आयोग या जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन, इसके बारे में बात करें तो देखो, इसके हम बात करें अध्यक्ष के बारे में, तो देखो, जो पीएम है वो कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं, उसके साथ ही क्या होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और एक सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। उसी के साथ ही क्या होने वाला है, इसमें तीन तो होंगे, देखो, तीन पूर्णकालीन सदस्य और तीन ही क्या बोल सकते हैं, अंशकालीन। अंशकालीन सदस्य होते थे। उसी के साथ ही देखो, हम बात करें तो देखो, रक्षा, वित्त और जो गृह विभाग है उनके जो मंत्री है वो भी क्या हुआ करते थे, पदेन सदस्य इसमें होते थे। तो देखो, क्या क्या चीज पढ़ी हमने, योजना आयोग के बारे में बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले हमने देखा कि योजना आयोग है वो किस समिति की संस्तुति पर बनाया गया था, तो वो बनाया गया था केसी नियोगी, और इसका ये बनाई कब गई थी, तो 1946 में इसको बनाया गया था। अब देखो, योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो 15 मार्च 1950 को गठन हुआ था। ये एक गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री क्या है, निकाय है। फिर हमने क्या देखा कि अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होगा, एक सीईओ होगा, और पूर्णकालिक सदस्य कितने हैं, तो तीन, और अंशकालीन बात करें तो तीन हुआ करते थे इसमें। साथ ही इसमें रक्षा, वित्त और गृह विभाग है उनके मंत्री इसमें क्या हुआ करते थे, पदेन सदस्य हुआ करते थे। अब देखो, वही हम बात करें इसमें प्रथम उपाध्यक्ष की, प्रथम कलर चेंज कर लेते हैं अपन,
प्रथम उपाध्यक्ष की। तो देखो जो योजना आयोग है उसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके गुलजारीलाल नंदा। और वही हम बात करें कि इसमें अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, तो देखो यदि हम बात करें अंतिम उपाध्यक्ष की तो देखो मोंटेंग सिंह अहलूवालिया, मोंटेंग सिंह अहलूवालिया कौन थे जो अंतिम, मतलब जब इसको समाप्त कर दिया गया था 2015 में, तब कौन थे जब उपाध्यक्ष थे, मोंटेंग सिंह अहलूवालिया। तो ये चीजें आपको अभी तक समझ में आ गई होगी। पीएम की बात करें तो प्रथम इसके जब अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष आपको पता ही है जवाहरलाल नेहरू, उस समय प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री है वो क्या होता है, पदेन इसके अध्यक्ष होते हैं। तो यहां तक आपको योजना आयोग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो समझ में आ गई होगी। फिर जब आगे बात करें, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नीति आयोग के संदर्भ में। अब देखो जिन्होंने पहले नीति आयोग पढ़ लिया है उन्हें क्या करना है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करना है, सारी चीजें पढ़नी है, उसका खुद से आंसर देने का कोशिश करनी है, और उसके बाद में वापस वीडियो को आपको प्ले करना है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। हमसे क्या पूछा है, सत्य कथन पूछा है। अब देखो नीति आयोग के बारे में हम बात करें, नीति आयोग या इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं, ये नीति आयोग हो गया। अब देखो नीति की फुल फॉर्म क्या है ये भी पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नीति की फुल फॉर्म क्या है, तो नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब देखो इसके बारे में हम बात करें कि इसकी घोषणा कब की गई थी, तो देखो नीति आयोग है इसकी घोषणा के बारे में हम बात करें, तो देखो इसकी घोषणा की गई थी 15 अगस्त 2014 को। किसने की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले के अपने भाषण में घोषणा की थी। कब, तो आपको पता ही है 15 अगस्त पर क्या होता है, पीएम अपना भाषण देते हैं, तो उसी दिन 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में घोषणा की थी। वही हम बात करें इसका गठन कब किया गया था, तो देखो 1 जनवरी 2015 को इसका गठन कर दिया गया था। और इसकी प्रथम मीटिंग की बात करें, इसकी जो पहली मीटिंग है, पहली जो बैठक है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी आपके 8 फरवरी 2015 को। तो देखो यहां तक आपको क्या क्या याद रखना है, पहली चीज तो ये समझनी है कि नीति आयोग है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वही हम बात करें कि इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी। इसका गठन कब किया गया, तो 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया, इसका गठन किया गया था। इसकी पहली मीटिंग कब हुई, तो 8 फरवरी 2015 को इसकी क्या हुई, पहली मीटिंग हुई थी। अब देखो हम कथन के बारे में बात करें, तो क्या लिखा हुआ है कि नीति आयोग के गठन की घोषणा 26 जनवरी 2014 को की गई थी। तो देखो ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, मैंने बताया यहाँ आएगा आपके 15 अगस्त, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखो क्या लिखा हुआ है, मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव, तो ये भी याद रखना है। नीति आयोग का गठन किस तरह से किया गया है, तो ये एक प्रकार का मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव है। तो यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाता है। हमसे क्या पूछा है कि सत्य कौन सा है, तो केवल दो है वो सत्य है। फिर जब आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। तो देखो लिखा हुआ है, कथन को हम पढ़ें कि नीति आयोग के अधिशासी परिषद या क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में गवर्निंग काउंसिल में राज्य के मुख्यमंत्रियों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों के उपराज्यपालों शामिल होते हैं। मतलब क्या बोल रहा है कि जो इसकी गवर्निंग काउंसिल होती है, किसकी, नीति आयोग की, तो उसमें कौन कौन शामिल होगा, तो एक तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे, और केंद्र शासित क्षेत्र है उसके जो आपको पता ही है उपराज्यपाल होते हैं, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। देखो नीति आयोग के बारे में हम बात करें, तो इसमें भी अध्यक्ष कौन होगा, पीएम है वो इसके क्या होंगे, पदेन अध्यक्ष होंगे। वही हम बात करें उपाध्यक्ष होगा एक, और सीईओ होगा, उसके साथ में 4 इसमें क्या होंगे, सदस्य भी होंगे, और वो सदस्य कौन होंगे, पूर्णकालीन सदस्य
होते हैं। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरविंद पनगड़िया थे। तो देखो ये कथन है वो गलत हो जाता है, ये कथन गलत हो जाता है। गलत क्यों हो जाता है, क्योंकि जो अरविंद पनगड़िया है ये कौन थे, ये थे प्रथम उपाध्यक्ष। कौन थे, प्रथम उपाध्यक्ष थे। वही हम बात करें सीईओ कौन था, तो देखो सिंधु श्री खुल्लर है, वो कौन थी, वो थी सीईओ। क्या क्या समझ में आया अभी तक, कि जो नीति आयोग है उसकी जो गवर्निंग काउंसिल होती है उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो उसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके जो उप राज्यपाल होते हैं वो इसमें क्या शामिल होते हैं। दूसरी बात हमने क्या सीखी, कि जो नीति आयोग है उसके प्रथम जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे, वो कौन थे। प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगड़िया। वही हम बात करें प्रथम सीईओ कौन थे, तो देखो सिंधु श्री खुल्लर है, वो कौन थी, प्रथम आपके सीईओ। अध्यक्ष की बात करें तो आपको पता ही है नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष थे। देखो हमसे क्या पूछा गया था, कि सत्यकथन के बारे में बात की गई थी, तो सत्यकथन कौन सा हो गया, केवल एक है, वो क्या है, सत्यकथन है। ये तो गलत हो गया, ये तो क्या, किसके बारे में बात कर रहे हैं, अरविंद पनगड़िया तो क्या थे, उपाध्यक्ष थे, तो ये गलत हो जाता है। और राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, केवल एक। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है कि नीति आयोग के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन है। हमें क्या बताना है कि इसमें से कौन से कथन है वो नीति आयोग के कार्यों से रिलेटेड है। तो देखो पहला लिखा हुआ है कि राज्यों को साथ लेकर संस्थात्मक सहयोग को बढ़ावा देना नीति आयोग का कार्य है। अब देखो नीति आयोग कैसे कार्य करता है, कि ये राज्यों को भी साथ लेता है, राज्य पर कोई भी जो आदेश है वो थोपता नहीं है। अब देखो योजना आयोग में क्या कमी थी, कि उसमें राज्य की भागीदारी कम थी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है नीति आयोग में, यहाँ राज्यों की भी भागीदारी है। जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें सभी राज्य के कौन शामिल है, मुख्यमंत्री शामिल है। मतलब किसी प्रकार की यदि नीति बनाई जा रही है तो उसमें उस राज्य का क्या है, जो मुख्यमंत्री है वो भी इसमें शामिल रहता है। तो ये बिल्कुल सही हो जाता है कि राज्यों को साथ लेकर संस्थात्मक सहयोग को बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य है। फिर देखो क्या बोल रहा है, कि ग्राम स्तर पर निर्मित योजना को उत्तरोत्तर उच्च स्तर पर पहुंचाना, तो ये भी नीति आयोग का कार्य है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। फिर क्या लिखा हुआ है, केंद्र व राज्य सरकारों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख मुद्दे पर राजनीतिक व तकनीकी सलाह देना। अब देखो जो नीति आयोग है वो कैसे कार्य करता है, वो एक थिंक टैंक है। क्या है, एक थिंक टैंक है, मतलब ये परामर्श देता है, सलाह देता है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाता है। तो हम बात करें उपरोक्त सभी है वो क्या है, सही है। तो यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर देखो आगे बात करते हैं अपन, फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, कि नीति आयोग द्वारा नियतम कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य है। मतलब जो नीति आयोग है उसने नियतम कार्यक्रम शुरू किया है, उसके पीछे नीति आयोग का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। अब देखो ऑप्शन के बारे में हम बात करें, क्या लिखा हुआ है, कि राज्य को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। फिर आगे क्या बोल रहा है, कि राज्य शासन की अनुदान प्रणाली का जीर्णोद्धार करना, तो ये भी गलत हो गया। फिर देखो नेक्स्ट का लिखा हुआ है, कि राज्य शासनों की प्रशासनिक विकास और कानूनी संरचना को सुव्यवस्थित करना, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। मतलब नियतम कार्यक्रम क्या क्यों चलाया गया है, कि जितने भी जो राज्य हैं उनके प्रशासनिक और विकास और जो कानूनी संरचना है उसको अच्छा करना, सुदृढ़ करना, जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं, साथ ही जो विकास है और जो प्रशासनिक कार्य है उसको बेहतर करना, साथ ही जो विभागों है उसकी जो जितने भी विभाग है उनकी संख्या को कम करना भी किसका प्रयास है, नियतम कार्यक्रम द्वारा इसका प्रयास किया जा रहा है। तो देखो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और देखो ये लिखा हुआ है, राज्य शासकों पर राज्य की प्रभावी निगरानी और विनियमन, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया आपके, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो नेक्स्ट देखिए हम, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध होता है। अब देखो सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में हम बात करें, देखो राष्ट्रीय विकास परिषद क्या करती है, जो योजना आयोग है, या पहले हम नीति आयोग की बात करें तो इसके द्वारा जो सलाह दी जाती है, जैसे मान लो कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं तो किसके द्वारा तैयार की जाती थी, तो ये की जाती थी, जैसे योजना आयोग ने तैयार कर दी, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा, तो वो करता था राष्ट्रीय विकास परिषद। इसके गठन के बारे में बात करें तो इसका गठन कब किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को इसका गठन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप याद करना, 6 अगस्त 1952 को क्या किया गया था, आपके राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। और ये भी एक क्या है, गैर सांवैधानिक निकाय है।
अब देखो हमसे क्या पूछा गया है कि उसका मुख्य संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से, या केंद्र राज्य वित्तीय संबंध से। देखो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था, तो देखो ये अभी अभी हमने देखा है कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1952 को, इंपोर्टेंट है तो इसको भी थोड़ा सा याद कर लेना। फिर देखो आगे बात करें हम, आगे लिखा हुआ है कि भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था संविधान के अंतर्गत, संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत, मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, या लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा। अब देखो ये चीज मैंने पहले ही बता दी थी और ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट है। देखो जब हम बात करें योजना आयोग की, तो इसका जो सृजन है वो किया गया था मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ना ही संविधान में किसी बारे इसके बारे में उल्लेख किया गया है, ना ही एक संसद के कोई अधिनियम पारित किया गया है, ना ही लोकसभा में कोई इसका प्रस्ताव द्वारा इसको बनाया गया है। ये क्या है, मंत्रिमंडल के एक कार्यकारी आदेश है या एक प्रस्ताव द्वारा इसको बनाया गया है। फिर देखो आगे बात करें, आगे आएंगे, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया गया था, तो देखो ये भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा गया था, इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो हम बात करें नीति आयोग की, तो ये योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था, पहले योजना आयोग को बनाया गया था और योजना आयोग के स्थान पर किसको बनाया गया था, तो नीति आयोग को बनाया गया था। ये यहाँ तो चीजें बिल्कुल नॉर्मल है, ये तो आपको समझ में आई गई होगी। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, इंपॉर्टेंट है पूछा हमसे सही नहीं है। देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो जाता है कि आपको क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है उसके बारे में ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि आप सीधा देखो और लगा दो कि सही कौन सा है, पूछा है सही नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ है कि इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है, हमें पता ही है पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो नीति आयोग है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि इसका गठन जनवरी, अब देखो मैंने बताया था कि 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है, और इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है, और यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अब देखो सहकारी संघवाद के बारे में बात करें, इसका मतलब क्या है कि इसमें क्या किया जाता है, नीति आयोग क्या करता है, जितनी भी जो योजनाएं हैं वो राज्य के साथ मिलकर बनाता है, मतलब उसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें राज्य के जो मुख्यमंत्री है वो भी शामिल है, और ये क्या करता है, किसी भी प्रकार की कोई योजना है वो राज्य पर थोपता नहीं है, वही मतलब होता है आपके सहकारी संघवाद का। अब देखो इसमें क्या बताया जा रहा है आपको कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो ये गलत हो जाता है। ये गलत क्यों हो जाता है कि जो नीति आयोग है उसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष ना होकर कौन होता है, पदेन होता है, मतलब पीएम अभी कौन है, नरेंद्र मोदी जी है तो वो अध्यक्ष है, कल को चेंज होंगे तो वो इसके क्या बन जाएंगे, अध्यक्ष हो जाएंगे। मतलब क्या होता है कि इसमें पदेन है वो अध्यक्ष होते हैं, ना कि पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि सत्य नहीं है, तो राइट कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी है वो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर देखो आगे बात करें, आगे लिखा हुआ है नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, मतलब हमसे पूछा है कि सीईओ कौन है। देखो सीईओ की बात करें, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात करें, तो देखो इसमें राइट ऑप्शन हो जाता है आपके बीवीआर सुब्रमण्यम, बिल्कुल राइट ऑप्शन कौन सा हो जाता है, बीवीआर सुब्रमण्यम, अच्छे से याद कर लेना है, संगणक के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जो नीति आयोग है उसके सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो वो है आपके बीवीआर सुब्रमण्यम। देखो ये है आपके बीवीआर सुब्रमण्यम। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, नेक्स्ट है कि नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, मतलब अभी है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है ये पूछा जा रहा है, तो देखो इसमें हम देखें तो देखो सुमन के बेरी है वो क्या है, उपाध्यक्ष है, और ये है आपके सुमन के बेरी। अब इतने नाम तो कोई स्टूडेंट ऐसे थे जिनको लग रहा था सुमन नाम देखे कि ये कोई फीमेल होगी, जबकि सुमन के बेरी क्या है, एक मेल है, और ये क्या है, उपाध्यक्ष है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर देखो नेक्स्ट देखो, अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो नीति आयोग में क्या होते हैं, 4 है वो क्या होंगे, पूर्णकालिक सदस्य होंगे, पूर्णकालीन क्या होंगे, सदस्य होंगे, तो ये भी आपको इनका भी नाम क्या करना है, याद रखना है। देखो हमने क्या क्या याद रखा इसमें, कि हमें पता है अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष हैं। फिर हमने बात किया कि इसमें उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी है वो वर्तमान में उपाध्यक्ष है। वही हम बात करें सीईओ की, तो देखो बीवीआर सुब्रमण्यम कौन है, इसके सीईओ है। अब देखो हम बात करें सदस्य की, इसमें सदस्य कौन कौन है, तो देखो वीके सारस्वत है वो सदस्य है,
उसके साथ में प्रोफेसर रमेश चंद्र है वो सदस्य हैं, और डॉक्टर वीके पॉल। अब देखो दो तो वीके ही हो गए, याद कैसे करोगे, दो तो कौन है, वीके है, वीके पॉल और वीके सारस्वत, और कौन है, एक रमेश चंद है और एक अरविंद विरमानी है। मेरे साथ बोलो कौन कौन, तो अरविंद विरमानी, उसके साथ में रमेश चंद, अरविंद आपके अरविंद विरमानी और रमेश चंद, उसके साथ में दो कौन है, तो दोन है वीके, एक तो वीके पॉल है, एक वीके सारस्वत है। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीजें याद हो गई होगी और आज की क्लास हमारी यही समाप्त हो जाती है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है और आप चाहते हो कि संगणक की ऐसी ही वीडियो और लाई जाए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही आप कमेंट बॉक्स में भी इसके बारे में बता सकते हो। धन्यवाद।